तो इन दिनों बड़ी संख्या में पर्यटक गुलाबी नगरी जयपुर के साइट सीन्स का दीदार करने आए हुए हैं, लेकिन बात जब जंगल में घूमने की हो तो भला कौन इनकार करेगा। ऐसा ही नज़ारा देखा जाता है इन दिनों जयपुर शहर से सटे झालाना लेपर्ड सफारी का। यहाँ अभी शाम और सुबह दो पारियों में पर्यटक सफारी का आनंद ले रहे हैं। झालाना जंगल का जायजा लिया हमारे जन टीवी न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा ने। अच्छा लगा, मैं हमेशा से आना चाहता था इधर और देखना चाहता था कि वाइल्ड लाइफ कैसी होती है असलियत में। हाँ, गुड। पहले कोई सेंचुरी विजिट किया आपने? एक बार पहले भी यहाँ आ चुका हूँ मैं। अच्छा लगा? अच्छा लगा मुझे वहाँ, और मज़ा आ रहा है। और काफ़ी दिन से हम तो वेट कर रहे थे कि बच्चों की कब छुट्टियाँ होंगी। ये मेरा बेटा ही काफ़ी दिन से वेट कर रहा था कि छुट्टियाँ हों और कब यहाँ पे आएँ। इससे पहले हम एक बार आए हैं हमारे यहाँ, तब हमने दो तीन लेपर्ड्स देखे थे, पर इस बार एक ही दिखा, थोड़ा सी झलक दिखी उसकी, इतना नहीं दिखा। पर पिछली बार तो बिल्कुल लाइव गाड़ी के सामने से निकलता हुआ और पीछे से आता हुआ, एक बार पहाड़ी पे तीन लेपर्ड देखे थे पिछली बार हमने। अच्छा एक्सपीरियंस है, हम वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, आए तो हम फ्रेंड्स के साथ आ गए। वो दीदी हैं, उनके साथ वो आती रहती हैं, तो उनके साथ हम आए यहाँ पे। तो शहर के बीच में इतना बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होना अपने आप में जयपुर के लिए बहुत अच्छी बात है। ये बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है और मैं अपने दोस्तों को भी यहाँ पर लेकर आती रहती हूँ, सारे रिश्तेदारों को भी लेकर आती हूँ। जो भी जयपुर मेरे से मिलने आएगा वो सेंचुरी जरूर आएगा। लेपर्ड सफारी का आनंद ले रहे हैं और जब छुट्टियाँ हों और जब जंगल का घूमना हो और लेपर्ड दिख जाए तो फिर बात ही क्या है। और यही नज़ारा यहाँ जो जिप्सियों में जो हमें टूरिस्ट दिख रहे हैं उनके चेहरे पर साफ दिखाई देता है। हमारे साथ कुछ टूरिस्ट, उनसे बात करेंगे। जी, लेपर्ड देखा आप लोगों ने? हाँ, कहाँ से आए आप लोग? हम दिल्ली से आए हैं। लेपर्ड अभी देखा, छोटा, आई थिंक कह रहे हैं कि छोटी फीमेल थी। कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया। सेंचुरी विजिट करना बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा आपने रखा हुआ है। वेरी नाइस। क्या देखा आपने? क्योंकि सेंचुरी जंगल, नीलगाय पहली बार देखा है। ओ, और पैंथर? पैंथर अभी तक नहीं देखा। अभी जो देखा ये? ओह, दैट्स अ लेपर्ड। या इट वाज वेरी प्रीटी। अच्छा लग रहा है जी, बहुत मज़ा आ रहा है। और काफ़ी दिन से हम तो वेट कर रहे थे कि बच्चों की कब छुट्टियां होंगी। ये मेरा बेटा ही काफ़ी दिन से वेट कर रहा था कि छुट्टियां हों और कब यहाँ पे आएँ। इससे पहले हम एक बार आए हैं हमारे यहाँ, तब हमने दो तीन लेपर्ड्स देखे थे, पर इस बार एक ही दिखा, थोड़ा सी झलक दिखी उसकी, इतना नहीं दिखा। पर पिछली बार तो बिल्कुल लाइव गाड़ी के सामने से निकलता हुआ और पीछे से आता हुआ, एक बार पहाड़ी पे तीन लेपर्ड देखे थे पिछली बार हमने। अच्छा एक्सपीरियंस है, हम वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, आए तो हम फ्रेंड्स के साथ आ गए। वो दीदी हैं, उनके साथ वो आती रहती हैं, तो उनके साथ हम आए यहाँ पे। तो शहर के बीच में इतना बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होना अपने आप में जयपुर के लिए बहुत अच्छी बात है। ये बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है और मैं अपने दोस्तों को भी यहाँ पर लेकर आती रहती हूँ, सारे रिश्तेदारों को भी लेकर आती हूँ। जो भी जयपुर मेरे से मिलने आएगा वो सेंचुरी जरूर आएगा। तो चलिए, जिस मकसद से अगर आप जंगल में जाते हैं और वो दिख जाए तो फिर उसके बाद बात ही क्या है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि चेहरे पर मुस्कान जब दिखाई देती है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ आने वाले टूरिस्ट को रोमांचित कर देती है। तो चलिए, जो झालाना लेपर्ड सफारी जो देख पाते हैं आप, हमारे साथ में जनेश्वर जी हैं जो यहाँ के रेंजर हैं। जी सर, अभी टूरिस्ट आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, अभी जो है न्यू ईयर के जो समय चल रहा है, काफ़ी रश है अभी करीब 15 दिन से। न केवल झालाना बल्कि आमागढ़ में भी जो है वो पूरा पर्यटक फुल चल रहा है। यहाँ दो लेपर्ड सफारी हैं, आमागढ़ जिसको अभी 2022 के यादगार जो बिंदु होंगे उनमें से एक है आमागढ़ लेपर्ड सफारी, जिसका यहाँ पे अभी लॉन्चिंग की गई है, और दूसरा ये अभी जिसको हम झालाना लेपर्ड सफारी कहते हैं। सर, अभी वैसे पोजीशन टूरिस्ट की क्या रहती है? देखो, टूरिस्ट में 10 व्हीकल्स जो हैं वो ऑनलाइन बुकिंग होती है, 10 व्हीकल झालाना के लिए और 10 व्हीकल आमागढ़ के लिए। इसके अलावा 2 व्हीकल जो हैं हम यहाँ पे ऑफलाइन देते हैं। तो अभी जो 12 व्हीकल, जैसे सुबह 12 व्हीकल शाम को, पूरा अभी फुल चल रहा है और इसके बाद भी बहुत सारे पर्यटकों को वापस भी लौटना पड़ रहा है क्योंकि काफ़ी ऑनलाइन बुकिंग पहले से फुल चल रही है। सर, जो टूरिस्ट आना चाहे किसी को अगर यहाँ पर लेपर्ड सफारी देखना, उसको किस प्रक्रिया को फॉलो करना होता है, करे क्या वो देखने के लिए, जैसे ऑनलाइन की बात कर रहे हैं आप? हमने हमारी जो भी सारी व्हीकल्स हैं, 20 व्हीकल्स को ऑनलाइन किया हुआ है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की साइट से पर्यटक जो हैं सीधे ही अपनी टिकट बुक कर सकते हैं, किसी ब्रोकर या बीच में किसी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं रहती है। तो चलिए, जंगल और वो भी शहर के सटा हुआ हो तो भला फिर कहना ही क्या है। ये अक्सर कहा जाता है कि जंगल छोटे और उसमें
जो जानवर हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उनके पास में खाना और पानी की कमी है, इस वजह से कई बार शहर में भी दिखाई देते हैं। खैर वो वजह जो भी हो, लेकिन फिलहाल छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए टूरिस्ट दिन रात जब भी अवसर मिलता है वो एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं। कैमरा पर्सन श्याम के साथ योगेंद्र शर्मा, जन टीवी न्यूज, झालाना, लेपर्ड सफारी, जयपुर।